नमस्कार, आप देख रहे हैं LTC न्यूज़। एक साल से देश लगातार कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है, फिर कोरोना वैक्सीनेशन के बाद लगा कि अब कोरोना को काबू कर लिया जाएगा, लेकिन लोगों की लापरवाही इस लेवल पर है कि देश के इस राज्य में लॉकडाउन लगने की स्थिति पैदा हो गई है। बात हो रही है महाराष्ट्र की। यहाँ मार्च के पहले हफ्ते में ही 50,000 से भी ज़्यादा कोविड के केस सामने आए हैं। जिस प्रकार से यहाँ कोरोना फिर से पांव पसार रहा है, सरकार लॉकडाउन लगवाने के बारे में विचार कर रही है। फरवरी के मध्य से ही महाराष्ट्र में कोविड-19 के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले एक हफ्ते में राज्य में हर दिन 7,000 के आसपास मामले सामने आए हैं। हालांकि 1 मार्च को राज्य में थोड़ी राहत दिखी थी, उस दिन 6,397 नए मामले सामने आए थे। 3 मार्च को 9,855 मामले सामने आए थे, तो 4 मार्च को 8,998 नए मामले सामने आए थे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की बात करें तो यहां रोज़ाना 700 के आसपास कोविड के केस सामने आ रहे हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्य में एक बार फिर तालाबंदी करने की इच्छा जाहिर ना करते हुए कहा कि मैं दोबारा लॉकडाउन नहीं लगाना चाहता, लेकिन मजबूरी भी कुछ होती है। उद्धव ठाकरे ने ये बयान 28 फरवरी को दिया था, जिसके बाद से ही महाराष्ट्र में लगातार कोविड मामले बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि लोगों की लापरवाही जिस तरह बढ़ रही है, देश के अन्य राज्यों में भी लॉकडाउन लगाने की स्थिति पैदा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, LTC न्यूज़।